86,000 सब्सक्राइबर होने का क्या फायदा, जहाँ भाई को एक भी पैसा नहीं मिला यूट्यूब से, समझ सकते हो? 86,000 सब्सक्राइबर भाई, मजाक नहीं, ये देख सकते हो, एक साल के अंदर किया 86,000 सब्सक्राइबर, लेकिन यहाँ से एक भी पैसा इनको नहीं मिला। मिला पैसा कहाँ से आया? बहराइच से आए, ठीक है, देख सकते हो। चैनल का नाम है खान DK09 और एक साल से मेहनत रेगुलर कर रहे हैं, और जब चैनल मोनेटाइज होने की बारी आई, यहाँ पे इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, समझ सके, मोनेटाइज ही नहीं हुआ। 86,000 सब्सक्राइबर हो चुका, आप भी यही गलतियां कर रहे हो जो इन भाई के साथ हुई। अगर आपको भी गलतियों से बचना है ना, तो ये वीडियो देख लेना, नहीं तो बाद में मुझसे मत कहना कि भैया ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, अब सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना? कोई बताने वाला नहीं, सिर्फ आपको लोग गुमराह करेंगे, और परेशान हो गया आप और यूट्यूब छोड़ के चले जाओगे। 86,000 सब्सक्राइबर हो चुका और पैसा नहीं मिला, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, समझ सकते हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है भाई। मेरा तो 5,000 पे ही मैं पैसा मिलने लगा था, 5,000 सब्सक्राइबर थे हमारे, और यहाँ तो 86,000 हो चुके हैं तब पैसा नहीं मिला। समझिएगा, जो चीजें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके की वीडियोस बनाकर आपको आगे बढ़ाते हैं और आपको सही डायरेक्शन दिखाते हैं, जिससे कि आप पैसे कमा सको, ठीक है ना? देखिए प्रॉब्लम क्या है वो समझना सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना? बाकी इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है पैसा नहीं कमाएंगे, अभी जो चीजें मैं बताऊंगा वैसे ये काम करेंगे, और मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर इनका चैनल भी मोनेटाइज होगा, पैसे भी कमाएंगे, ठीक है? जो यहाँ पर प्रॉब्लम आई वो बताते हैं, ठीक है? यहाँ पर आते हैं, अर्न वाले सेक्शन पे आते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रियूज कंटेंट, ठीक है, रियूज कंटेंट आया हुआ, और यहाँ पर देख सकते हो रियूज कंटेंट अब इनका कब, कितनी तारीख को जाएगा, 14 जुलाई 2024 को इनका रियूज कंटेंट हटेगा और यहाँ से रीअप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? लेकिन आखिर में ये आया कि ये भी समझने वाली बात है। यहाँ पर आते हैं कंटेंट पर, आपने किसका वीडियो अपलोड करा है? बरेली का है, कोई बरेली का था, उसका वीडियो अपलोड कर दिया, क्यों अपलोड कर दिया था? डाउन हो गया था चैनल, इनका चैनल डाउन हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने किसी और का वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया और इनका चैनल पर रियूज कंटेंट, रियूज कंटेंट आया और पैसा नहीं मिला। आप लोग भी परेशान होते हो, ठीक है, जब आपका चैनल डाउन होता है, देखिए यूट्यूब है भाई, यहाँ पे अप डाउन लगा ही रहता है, ठीक है ना? अप डाउन, मेरा भी चैनल डाउन था, 500-700 व्यूज आ रहे थे, 600-600 व्यूज आ रहे थे, 1,000 आ रहा था, तो मैंने नहीं किसी का डाला, क्यों नहीं डाला, तो मुझे पता है यार यूट्यूब कभी अप होता है कभी डाउन होता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, ठीक है ना? कभी पैसा हमारा ज्यादा बनता है कभी कम बनता है, लेकिन ये थोड़ी ना इसका मतलब है किसी का भी वीडियो हम उठाकर डाले, ठीक है ना? अब आज की बात, ठीक है, जो भी आपने गलतियां की, ठीक है, वो अलग की बात, ठीक है, वो गलतियां कर दी तो अब वो गलतियां तो वापस तो आ नहीं जाएंगी आपकी, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जो वीडियो आपने डाली उनको डिलीट किया, वो सारी डिलीट कर दूंगा। अभी देखो इनका पहले चैनल मोनेटाइज था ना, अप्लाई किया था, मोनेटाइज अप्लाई किया था, यहाँ पर आते हैं 48 घंटे के बाद आपको ये मतलब बैक मतलब कि जो बाहर कर दो, ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं वॉच टाइम पर आते हैं, ठीक है ना? और वॉच टाइम पे आते हैं 365 दिन लेते हैं, यहाँ पे वॉच टाइम पर लेते हैं, लॉन्ग वीडियो डालेगी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग दोनों डाली है, तो लाइव चालू करके, अच्छा अच्छा लाइव करके वॉच टाइम कर लिया, चलो ठीक है, देखो सही है लाइव, सही तरीके कितना वो दिखा रहा है, 21,000 मतलब कि वॉच टाइम तो काफी अच्छा दिखा रहा है, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग दोनों मिक्स होकर दिखा रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इनका जो वॉच टाइम था ना वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जैसे 12,000 यहाँ से व्यूज आया हुआ है, तो वॉच टाइम तो इनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो टाइम दे रहा है 14 जुलाई का, तब इनके में रीअप्लाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तब इनका जो ये चैनल है ना तब मोनेटाइज होगा। आखिर में आप लोगों को क्या गलतियां नहीं करनी ये समझिए, ठीक है, आखिर में देखो इनके में रियूज कंटेंट तो आ गया, लेकिन आपके में ना आए तो आपको क्या करना चाहिए वो समझिए, ठीक है? अपने चैनल पर अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, ठीक है ना, तो अगर आप किसी का वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको रियूज कंटेंट मिलेगा, तब आपको 3 महीने के लिए आपका चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है, 3 महीने के लिए आपका मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। अगर आपने पहली बार चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई किया, ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है और फिर आपके में रियूज कंटेंट आता है, किसी को वीडियो डाल रखा, तो आपका 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा। अगर आपने फिर से उसको मॉडिफाई कर दिया, फिर भी आपने वीडियो नहीं डिलीट की दूसरों की, फिर आपने किया, तो आपको 3 महीने की यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? ये सारी दिक्कतें आती हैं, इनको समझिए, ठीक है, जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, जिन तरीके को सिखा रहा हूँ, वैसे काम करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। इन भाई के साथ तो दिक्कत आ गई, ठीक है, आपके साथ ना आए तो ये भी समझना। आप देखिए और भी गलतियाँ इन्होंने क्या करके रखी वो भी आपको देगा। यहाँ पर आते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर इस वीडियो में अपलोड किया एक महीने पहले, और यहाँ पर क्या है 11 मई 2024 हो गया, 330 व्यूज है, और इसमें टाइटल तक नहीं लगा। टाइटल क्यों नहीं लगाया था कि ऐसे देखिए यूट्यूब पे अगर हम कोई भी वीडियो डाल लेना, पूरे एफर्ट के साथ डालना, टाइटल लगाना है, टैग लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना है, ठीक है ना, तब अपलोड करना, ऐसे ही नहीं कुछ करना आपको। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको टाइटल लगाना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन लगाना नहीं आता, तो मैंने देखिए एक वीडियो का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिएगा आपको टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाना सही तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब तक हम अपनी वीडियो पर सही तरीके से टैग नहीं लगाएंगे, टाइटल नहीं लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन नहीं लगाएंगे, तो हमारी वीडियो चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं क्योंकि हमें वीडियो हम क्यों अपलोड करते हैं, व्यूज़ अच्छा आना। जब तक हम सही तरीके से वीडियो अपलोड करेंगे नहीं और व्यूज़ नहीं आएगा, तो हमारा कोई मतलब नहीं वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही तरीके से वीडियो अपलोड करनी, तभी आपको पैसा मिलेगा यूट्यूब से, ऐसे पैसा नहीं मिलने वाला। अगर आप गलत तरीके से काम करोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भाई, तो देखिए क्या लिखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट। कभी भी हमें अपनी वीडियो में ये नहीं लिखना होता, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं लिखना होता है, लाइक करने के लिए नहीं लिखना होता है, टाइप मतलब कि शेयर करने के लिए नहीं लिखना होता है। हमको सिर्फ अपनी वीडियो पे काम करना है सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखो, कभी भी आपका चैनल यूट्यूब उड़ा देंगे, क्योंकि ये स्पैम में आता है, ठीक है। आप लोग भी समझिए, गलतियाँ हैं भाई, गलतियाँ करोगे तो गलतियों की सज़ा आपको मिलेगी। 86,000 सब्सक्राइबर कर लिया है भाई आपने, मजाक नहीं है, ठीक है ना, मजाक नहीं है। सब वीडियो में आपने एक ही जैसा डाल के रखा है, किसी किसी में टाइटल नहीं है, ये एक बार में उड़ जाएगा चैनल, अगर फिर वापस भी नहीं आएगा ये। तो अभी आपको जाना है, ये जितनी भी वीडियोज में आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखा इनको हटाना है, ठीक है ना, और यहाँ पे टाइटल डालना है। जो भी वीडियो आपने ये बनाया, मान लीजिए ये डांस का बनाया है, ठीक है, तो पंडाल में डांस, ठीक है, शादी में डांस वीडियो, ऐसे लिखना, हर एक में अलग अलग टाइटल डालना, और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब हटाना है। अगर ये करोगे तो भाई दिक्कत आएगी, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ आपको, आएगी 100% दिक्कत आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। और जिस दिन ये दिक्कत आएगी, उस दिन यूट्यूब सीधा एक काम करता है, रिपीटेड एंड वॉल्यूशन में आपका डाल के चैनल को स्पैम में डाल के डिलीट मार देता है, समझ रहे। ये स्पैम में आता है, जो एक चीज ही वर्ड को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं टाइटल में, ये गलत है, ये नहीं करना होता है, हमें अलग अलग तरीके से। इसीलिए यूट्यूब ने क्यों बोला है कि आप जिस टाइटल में वीडियोस बनाइए वही टाइटल डालना है, जिससे कि एक सही तरीके से परफेक्ट तरीके से टाइटल होता है। आप टाइटल कुछ है आपका, ठीक है ना, वीडियो कुछ है, ये स्पैम माना जाता है, ठीक है। ये सारी गलतियां आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो ये तो कर रहे हैं, ठीक है ना, इनको मैंने समझा दिया। अगर ये नहीं समझेंगे तो भाई चैनल चला जाएगा, कभी भी चला जाएगा, कोई भी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पैम हो रहा है एक तरीके से, ठीक है ना, ये टाइटल का स्पैम है, ठीक है ना, ये टाइटल का स्पैम है। तो ये सारी चीज़ों से बचना है और सही तरीके से काम करना है। जो रिव्यूज कंटेंट है, अगर आपके में रिव्यूज कंटेंट आया है, तो आपने जिसका भी वीडियो उठाया है उसको डिलीट करना है। और अगर मानिए लॉन्ग वीडियो आपने लिया है, तो लॉन्ग वीडियो का जितना वॉच टाइम कम होगा वो पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने शॉर्ट वीडियो उठाया है किसी का, शॉर्ट वीडियो से जितना ही व्यूज आया है वो आपको कवर करना पड़ेगा। आपने अगर मान ली लॉन्ग से आपका चैनल मोनेटाइज हो रहा है, तो लॉन्ग वाली वीडियो डिलीट करनी है, शॉर्ट वाली दोनों ही डिलीट करनी है, जो भी आपने दूसरों का डाला है। वॉच टाइम कम होता है उसको कवर करना, अगर शॉर्ट से मोनेटाइज कर रहे हैं तो शॉर्ट वॉच व्यूज कंप्लीट करना, ठीक है ना। तो इनका तो सब कुछ कंप्लीट है, बहुत ज्यादा वॉच टाइम है इनके में, तो इसीलिए वॉच टाइम नहीं दिखा रहा। जैसे ही इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया दूसरों की, अब जैसे ही ये 14 जुलाई आएगी, यहाँ पर रीअप्लाई शो कर देगा, और यहाँ पर सिर्फ इनको एक क्लिक करना, 24 घंटे के बाद यूट्यूब फिर से चेक करके इनको एक मेल कर देगा, इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अगर इन्होंने ये सारी चीज़ें फिर से मॉडिफाई नहीं की। नहीं तो फिर से इनके चैनल में दिखा देगा कि भाई आपने मिसलीडिंग किया है, जो मिसलीडिंग मेटा डेटा होता है वो आता है हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने एक ही टाइटल को बार बार यूज़ यहाँ पर किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कस्टमाइज कीजिएगा, इन टाइटल को चेंज कीजिएगा, जैसा वीडियो है उसी हिसाब से टाइटल डालिएगा। नहीं अगर टाइटल डालना आता है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। अगर मान ली बहुत से लोग नहीं पढ़े लिखे होते, नहीं लिख पाते, तो आपको बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ पे इस तरीके से आना, ऐसे इरेज करना है, ये माइक दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखना है शादी में डांस वीडियो, ठीक है, देखो आ गया शादी में डांस वीडियो, ठीक है, लिख के आ गया भाई, इसको सेव कर देना यहाँ से, ऐसे बोल के कर सकते हो, ठीक है। जो लोग नहीं मान लो टाइटल लिख पाते, वो बोल के कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सारा काम आप कर सकते हो, सही तरीका जो होता है, ठीक है। तो ऐसे सही तरीके से काम करोगे तभी भाई कुछ होगा, ठीक है ना। अगर गलत तरीके से करोगे कोई दिक्कत परेशानी इतनी आएंगी ना, चैनल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। जो गलतियाँ इनकी थी मैंने आपको बताई, इन गलतियों को आप मत करना, ये तो इनको तो बता दिया मैंने, सर ये कर लेंगे सही, लेकिन आपको बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अगर आपकी किसी तरीके की दिक्कत है तो आप हमसे मिलने आ सकते हो, ये हमारी टीम का इंस्टाग्राम अकाउंट है, बायो में दिया है सादिया जी का, जाके इनसे बात कीजिएगा, जो भी मांगते हैं आपसे,
डिटेल वो डिटेल दीजिएगा, आप भी यहाँ आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, भाई को जाके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। इनका देखिए 86,000 सब्सक्राइबर हो चुका है और मेहनत तो कर ही रहे, ठीक है, वॉच टाइम भी पूरा है, चैनल मोटाइज हो जाएगा, जो दूसरों को वीडियो डाला वो डिलीट भी कर चुके हैं। ठीक है, बस सिर्फ अब इसको क्या करना है, मोटाइज करना है, वो अप्लाई करना है, वो आएगा 14 जुलाई को, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मेंशन है पहले से, ठीक है ना। तो जाके ज़्यादा से सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब मत जाइएगा। आप मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।